कक्षा 10वीं गणित इकाई 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 प्रश्न 6वां एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत को ज्ञात कर इसको हम मान लेंगे। माना काहे कि बर्तनों की संख्या बराबरी से x, तब प्रश्न में दी है उस शर्त के अनुसार तब एक नग की लागत यानी एक बर्तन को निर्माण की जो लागत है वो देखेंगे। तब एक नग की जो लागत होगी वो कितनी होगी तो लिखा है उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तब एक नग की लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। निर्माण कितने किए x उसका दुगना 2x उससे 3 अधिक। एक नग की लागत 2x धन 3 रुपये कुल बर्तन निर्माण किए x और क्या निर्माण लागत रुपये 90 थी। एक बर्तन बर्तनों की संख्या x एक नग की लागत 2x धन 3 तो कुल निर्माण लागत तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखे कुल निर्माण लागत तो कितनी होगी x बर्तनों का निर्माण किया 2x धन 3 एक बर्तन की लागत आई और टोटल वो 90 रुपये खर्च करता है तो हम x 2x धन 3 का गुणा तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2x की घात 2 धन 3x जो बराबरी से 90 वो बाईं तरफ आ जाएगा तो वो हो जाएगा ऋण 90 बराबरी से कितना 0। अब हमको ऐसी दो संख्या चुननी जिन दोनों का गुणा करें तो 90 दुनी ऋण 180 आए। 90 दुनी क्या है ऋण 180 आए और जुड़ने पर 3 आए। ऐसी वो दो संख्या हमारे पास है क्योंकि गुणा करने पर ऋण 180 और जोड़ने पर धन मतलब बड़ी संख्या धन और छोटी संख्या ऋण। इसके जब गुणनखंड बनाते तो हम पाते कि ऐसी दो संख्या है एक है 15x और दूसरी है 12x। 15 धन और 12 ऋण 15 और 12 का गुणनफल ऋण 180 और जोड़ने पर 3x। पहली दो संख्या से हम जानते 2 और 15 दोनों 15 में 2 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा इसलिए कॉमन यहाँ निकलेगा केवल x। तो क्या हो गया 2x धन 15 ऋण दोनों में कॉमन है ऋण को कॉमन निकालेंगे 6 का भाग दोनों में जाएगा तो हमारे पास माना गया क्या x 2x क्या आएगा क्योंकि दोनों से ऋण को कॉमन लिया तो यहाँ 2x धन 15 बराबरी से 0। ध्यान से देखें तो दोनों ही पदों में 2x धन 15 कॉमन है तो पहले में बचा x दूसरे में बचा ऋण 6 बराबरी से 0। हमारे पास यहाँ दो पद है दोनों का गुणनफल 0 है अर्थात उसमें से एक संख्या वसी 0 के बराबर होगी। यदि 2x धन 15 को 0 के बराबर माने तो पक्षांतर करेंगे तो आएगा मान 2x बराबरी से क्या ऋण 15 और इसलिए x बराबरी से ऋण 15 बटे 2। हम जानते यह संभव नहीं है क्योंकि क्यों नहीं संभव क्योंकि
एक्स हमारे पास क्या बर्तनों की संख्या है और वो ऋणात्मक में और आधी अधूरी नहीं आती। दूसरी कंडीशन या क्या एक्स ऋण छः बराबरी से शून्य, तब एक्स का मान आएगा छः। तो हम लिखेंगे, हमारे पास उत्तर आ गया, अर्थात काहे की संख्या, अर्थात काहे की संख्या बर्तनों की संख्या, वो आ गई हमारे पास एक्स यानी कि छः। और प्रत्येक नग की लागत दो एक्स धन तीन, यानि वो आगे दो गुणे छः धन तीन, छः दुने बारह और तीन पंद्रह रुपये। अतः क्या कुल बर्तन कुल बर्तनों की संख्या x बराबरी से 6, प्रत्येक बर्तन का क्या लागत मूल्य कितना रुपये 15 है। उम्मीद है आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।